अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। शिहाब साहब मक्कतुल मुकर्रमा कितने दिनों में पहुंच जाएंगे? इस वक्त सोशल मीडिया पर केरला के शिहाब भाई इन दिनों काफ़ी चर्चे में हैं। आप जब भी नेट खोलें या फिर आप किसी से मुलाकात करें तो आपको हर जगह शिहाब भाई का ही तज़किरा देखने या सुनने को मिलेगा। आखिर शिहाब भाई ने अचानक कौन सा ऐसा काम कर डाला जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान सब शिहाब भाई का नाम अदब से लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि शिहाब साहब ने पहले ही ये पुख्ता आज़म किया कि हमें 2023 में हज करना है, और इसके लिए यानी हज जैसी अजीम शान इबादत की अंजामदही के लिए इन्होंने केरला से बैतुल्ला शरीफ का सफ़र भी पैदल शुरू कर दिया। केरला से बैतुल्ला शरीफ तकरीबन 8640 किलोमीटर है, और अमूमन कोई इंसान इतना लंबा सफ़र पैदल नहीं करता, मगर शिहाब साहब हैं कि केरला से पैदल इतना लंबा सफ़र करके बैतुल्ला शरीफ जा रहे हैं, इसलिए इनकी शोहरत आसमान पर है। अब सवाल यह है कि शिहाब साहब कितने दिनों में मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मीडिया से बात करते हुए शिहाब साहब ने पहले कहा था कि मैं 280 दिन में केरला से मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच जाऊँगा, और जबकि एक दूसरे मीडिया वाले से बात करते हुए शिहाब साहब ने कहा था कि मैं 25 किलोमीटर रोजाना सफर करूंगा। नाज़रीन, इससे मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हर रोज हालात हाजिरा पर मुख्तसर न्यूज के लिए कम वक्त में बड़ी खबर पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।